संसद के मित्रों ने बहुत विस्तार से टेक्निकल नॉन टेक्निकल व्यवहारिक इनकी जवाबदेही जनता की है, उन बातों को विस्तार से कहा। ये रेलवे विभाग सरकार की व्यवसायिक संस्थान है और सामाजिक संस्थान भी है। हम लोग जनता के जवाबदेह, मैं ये बात बहुत बेबाकी से कह सकता हूँ कि जनता की जवाबदेही आपकी नहीं होती है। इसलिए बहुत से मेरे मित्रों ने जो कहा कि मैं चिट्ठी देता हूँ तो उसका पत्रोत्तर नहीं मिलता है, तो ये हमारे प्रिविलेज में आते हैं। मेरे सारे मित्रों ने आपको बहुत कहना चाहिए कि माफ़ किया है कि उसको प्रिविलेज मूव नहीं किया, नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा सभापति को वो चिट्ठी लिख देनी चाहिए कि हम पत्राचार किए रेल विभाग से या किसी विभाग से, उसका उत्तर नहीं मिला, मेरे अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। ये बात आपके संज्ञान में रहना चाहिए कि इनके तरफ से आपको बहुत राहत दिया गया। मैं बहुत कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा। एक तो आपके रेल मंत्री, हमारे भी रेल मंत्री हैं, भारत के भी रेल मंत्री हैं, भारत सरकार के भी रेल मंत्री हैं, उन्होंने संसद में घोषणा किया कि आज स्वाधीनता का 75वीं वर्षगांठ रेल विभाग बड़ा धूमधाम से मनाएगा। मैं आपके चेयरमैन से भी इस संबंध में विस्तार से वार्ता की है। आपके DRM एक दिन मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया में गए थे उस संदर्भ में। अभी कई वक्ताओं ने कुछ थोड़ी बहुत बातें की, गाजीपुर के सांसद ने भी उस विषय में किया कि इधर पूरब का इलाका आज़ादी के लड़ाई में बड़ी भारी भूमिका रही है, ये बलिया का, गाजीपुर का, छपरा का, ये सब सारे लोग उसमें रहे। जब जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1942 के आंदोलन के नेतृत्व में सबसे अग्रणी थे, उनका जन्म शताब्दी मनाया जा रहा था, उस समय अटल जी प्रधानमंत्री होते थे, मैं संसद में था उस समय, उनके जन्म स्थान पर जहाँ स्मारक बना है, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ स्मारक का, वहाँ अटल जी ने उनके स्टेशन जो बकुल्हा है उसको जयप्रकाश नगर करने की घोषणा किया था, और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के नाते, वो उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार का बॉर्डर है, वो भी थे, उन्होंने उस पर सहमति की। चादरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी थे, मैं भी था। मैंने उस पर कुछ गृह मंत्रालय से और राज्य सरकार से जो प्रक्रिया होती है उसके कारण से कुछ प्रक्रिया भी की थी। अब सारी प्रक्रिया आपके यहाँ रुकी हुई है कि बकुल्हा को जयप्रकाश नगर अभी तक नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ कि रेल मंत्रालय के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, करना चाहिए कि जयप्रकाश 75वीं वर्ष का कोई मतलब नहीं, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, रेलवे विभाग मना रहा है, तो कोशिश करके वहाँ जयप्रकाश नगर जयप्रकाश नाम रखना चाहिए। क्यों रूढ़ी सही सही जयप्रकाश नगर जयप्रकाश हाँ तो कहे ना वही चाहिए प्रस्ताव भेजिए जैसे हमने के भेजल जाओ। दूसरा जहाँ जहाँ भी जैसे यूसुफपुर रेलवे स्टेशन के लिए कहा, जहाँ भी मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, जहाँ भी उस तरह के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उस रेलवे स्टेशन पर उनकी तस्वीर तो लगी जानी चाहिए, वहाँ के तस्वीर भी उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे यूसुफपुर में वहाँ तस्वीर है, वहाँ तस्वीर लग जाए लोगों को। रेलवे विभाग अगर ईमानदारी से इस बात को कर रहे हैं और करना ही चाहिए, वो भारत का विभाग है, भारत सरकार का विभाग है, तो उसको यह करना ही चाहिए कि राष्ट्रीय भूमिका में जिन लोगों का बलिदान हुआ है देश उससे कैसे भविष्य में प्रेरणा ले। फिर सुरेमनपुर स्टेशन पर शहीद स्मारक बना है, उसके भी ठाकुर राधा मोहन सिंह का, ठाकुर जगन्नाथ सिंह का। बलिया स्टेशन पर मंगल पांडे की तस्वीर लगी, उस तस्वीर चेतू पांडे की, कौशल किशोर की। फिर आपके एकमा स्टेशन पर, वहाँ भी लोगों ने किया, एकमा स्टेशन पर, छपरा स्टेशन पर, मैंने स्वतंत्रता सेनानी जहाँ भी आज़ादी के लड़ाई में पूर्वी उत्तर प्रदेश केंद्र रहा है वहाँ के प्रमुख स्टेशनों पर उनकी तस्वीर अगर लग जाएगी तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रेलवे विभाग की होगी।
और ईमानदारी से ये लगेगा कि रेलवे विभाग स्वाधीनता का 75वीं वर्षगांठ ठीक से मना रहा है। मैंने आपके DRM उस दिन बलिया गए थे, मैंने कहा था कि एक हमसफर ट्रेन चलती थी बलिया से, उस समय BK यादव होते थे चेयरमैन, वो कोरोना के काल में बंद कर दिया। मैंने कहा उसको छपरा से चलाइए और मंगल पांडे के नाम से उसका नामकरण कर दीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने यह बात घोषणा किया है स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ पर, इस जगह जगह पर जो भारत के संस्थान हैं उसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से करना चाहिए। तो मैंने आपको राय दी है और शायद उसमें आपने नोट भी किया है, कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि हम सफर डेली छपरा से बलिया होते हुए जाएंगे वो बंद हो गया है, वो 4 दिन पहले बलिया से चलते थे, तो छपरा से जाएंगे और मंगल पांडे के नाम से हो जाएंगे तो एक रेलवे विभाग की बड़ी उपलब्धि होगी। बलिया में एक रेल का अस्पताल है, वो बड़ी बिल्डिंग है अस्पताल का, एक बड़ा वहाँ जमीन भी है, तो बलिया के वो अस्पताल को चितू पांडे के नाम से कर दिया जाएगा तो भारत सरकार ने जो आदेश दिया है उसका आदेश का क्रियान्वयन भी हो जाएगा और दिल्ली सरकार या आपके रेलवे का बहुत बड़ा उपलब्धि भी प्राप्त होगी। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो अभी रूढ़ी जी कह रहे थे कि अतिक्रमण का, बलिया पर बलिया रेलवे स्टेशन पर जो पिछले दिनों भारी नुकसान का जो घटना हुई थी उसका सबसे बड़ा कारण है कि बलिया स्टेशन के उत्तर के तरफ जो आपको मैंने उस दिन दिखाया था वो खाली जमीन को अतिक्रमण कर लिए हैं, वो पूरा जमीन घेराबंदी करके उधर से ऊंचा 4 दीवारी बनाकर, और बलिया स्टेशन सुरक्षित करना चाहिए, रोज वहाँ चोरी हो रही है। दक्षिण के तरफ जो मालगोदाम तोड़कर फेफना बना दिया गया है, दक्षिण के तरफ उसको नया रेलवे स्टेशन बना है, अभी उसका उद्घाटन भी हुआ, दक्षिण के तरफ उसकी घेराबंदी माने रेलवे स्टेशन सुरक्षित रहे। आप रेलवे विभाग के यहाँ के महाप्रबंधक है, रेलवे विभाग की संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है, भारत की जनता की भी संपत्ति है, आपको संरक्षण और सुरक्षा की जवाबदेह जिम्मेदारी है और वहाँ लगातार असुरक्षित है। हम वहाँ के जनप्रतिनिधि के नाते आपको सब बता रहे हैं कि उसकी सुरक्षा और 1 महीने में उसकी प्रगति हमको मिल जानी चाहिए कि उसकी प्रगति क्या है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जानकारी देना चाहता हूँ यहाँ के, आप अभी दिखा रहे थे पहला समाचार कि राम सुभग सिंह जब रेल मंत्री थे तो ये मंडल बनाया गया था, उस समय रेल बजट अलग प्रस्तुत होता था, आम बजट अलग प्रस्तुत होता था। रेलवे बजट में राम सुभग सिंह आरा से संसद सदस्य होते थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा किया था कि बलिया से आरा को रेल प्रखंड से जोड़ने का, और मैंने उस कागज को रेल बजट के उस कागज को निकाला था। BK यादव जो आपके इसके पहले चेयरमैन होते थे उन्होंने उस कार्य को सर्वे करने के लिए 65 करोड़ का बजट भी प्रस्तुत किया था, शायद आपके जरूर जानकारी होगी। मैंने पिछले दिनों वैष्णव से और आपके चेयरमैन से बात किया था रेल मंत्री से और मैंने कहा था कि ये काम आगे बढ़ना चाहिए, तो आपके चेयरमैन ने DPR बनाने के लिए किसी संबंधित अधिकारी को आदेश भी दिया है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को आगे बढ़ना चाहिए और आपका सूचना विभाग भी इस क्षेत्र के लोगों को सूचना जरूर देना चाहिए, क्योंकि उस लाइन के बारे में बहुत सारे लोगों की उत्सुकता है कि काम कहाँ आगे किस तरफ बढ़ रहा है। बताएं किसान रेल बनारस से चलते थे, मैंने रेल मंत्री से पीयूष गोयल से बात किया था और किसान रेल इधर भी चलने लगा, लेकिन किसानों के यहाँ सूचना नहीं होने के कारण से वो रेल प्रॉफिट में नहीं गई, बंद हो गया। अभी मैं ये आपसे कहूँगा किसान रेल चलना चाहिए, कृषि का इलाका है, कहना चाहिए कि
आपका रेलवे विभाग जो है अंग्रेजों के जमाने का समय का बना है, और रेलवे विभाग अंग्रेजों के जमाने के समय का बना है तो अंग्रेजों के जमाने की तरह नहीं चलना चाहिए। ये बात आप लोग सर्वोच्च अधिकारी हैं, जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब 75 साल देश आज़ाद हो गया तो देश के समाज का बदलाव सोचने का भी तरीका बदला होगा। तो अंग्रेजों की तरह का रेलवे विभाग चलाएंगे तो नहीं चलने वाला, और चलाना भी नहीं चाहिए। तो आपको आपके विभाग के द्वारा हर क्षेत्र में जो हर जनपद के नहीं तो दो तीन जनपद के मिला के कृषि के उत्पादन के बारे में एक रिसर्च करके और क्या हम कर सकते हैं, कैसे रेलवे विभाग उसका व्यवसायिक उपयोग कर सकता है, तो उसे किसानों को भी लाभ होगा और रेलवे विभाग को भी लाभ हो सकता है। तो किसान रेल मैं समझता हूं कि अभी जहां भी चल रहा है, अब आपको ज़्यादा उसके जानकारी होगी, किसान रेल अभी बहुत प्रॉफिट में नहीं चल रहे हैं, लेकिन रेलवे विभाग उसको प्रॉफिट में चलाने के लिए अगर विज्ञापन करेंगे, प्रचार करेंगे, तो किसान उसके तरफ आकर्षित होंगे, एक दूसरे जगह से सामान दूसरे जगह ले जाने के लिए उत्सुक होंगे। तो बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर उसका लाभकारी कीमत किसानों को मिल सकता है और मिलता भी, तो इस पर भी एक विचार आपका जरूर होना चाहिए। दूसरा, बहुत से रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो बहुत रेवेन्यू कलेक्ट आपको देते हैं लेकिन वहाँ सुविधा नहीं होती, तो उसके हिसाब से उसका क्षेत्रफल कवर कितना होता है। जैसे मेरा खुद का रेलवे स्टेशन सुरेमनपुर है, मैं कह सकता हूं कि 70-80 किलोमीटर के क्षेत्र का वो कवर करता है, लेकिन बहुत सी रेलवे रेल जो वहां है वहां रुकती नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे रेल को रुकना चाहिए, लेकिन कुछ रेलगाड़ियां ऐसी हैं जो वहां के लोगों के सुविधा के अनुसार रुकेंगी, तो सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर जो रेवेन्यू मिलता है रेलवे विभाग को और भी प्राप्त होगा, तो रेलवे को जो व्यवसायिक संस्थान भी है रेल भारत सरकार का, उसका लाभ भी होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। और एक बात मैं कहूँगा, रेलवे विभाग पैसे पहले पूरे देश में फैला है, खिलाड़ियों को बहुत प्रश्रय देता था गांव के खेल करने वालों को। ये कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम गांव के खिलाड़ियों को सेलेक्ट करके रेलवे विभाग में जगह जगह पर, आप देश स्तर पर तो मंडल स्तर पर करिए या जोन स्तर पर करिए, और उनको कुछ काम देकर आप रेल विभाग का भी एक नाम बढ़ेगा। ऐसे DAW में चाहे और जगह भी इस तरह का है, तो खिलाड़ियों को गांव में खेल करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय काम होगा, रेलवे का एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी पूरा होगा। ये सब काम करना चाहिए। और कुछ ये ठहराव का है, ये कुछ दिए हैं लोग, तो मैं हमारा सहयोगी ले जाकर आपको दे देगा, उसको देख और कुछ काम। जैसे कई जगह ऐसे आध्यात्मिक केंद्र आध्यात्मिक केंद्र को विकसित करने के लिए रेलवे विभाग क्या कर सकता है, उससे होगा क्या कि लोगों की आस्थाएं भी जुड़ती है और उससे रेल विभाग से भी जुड़ा होता है कि रेल विभाग हमारे आस्था को भी ध्यान रखता है, तो कुछ आस्था केंद्रों को भी विकसित करने के लिए बारे में सोचना चाहिए कि कैसे उसे हो सकता है। कई बार इस तरह के कार्य हुए हैं और मैं समझता हूं कि अपने यहाँ के जितने इधर के पूरब के आस्था के केंद्र रहे हैं, सब भी देश की आज़ादी के लड़ाई में कहीं ना कहीं उनकी बड़ी भूमिका रही। तो आप जो 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ मना रहे हैं उसके साथ उसको जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। दो तीन चीज़ों को मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि एक तो स्वतंत्रता सेनानियों को उसके निकट के स्टेशनों पर उनकी तस्वीर लग जाए, जयप्रकाश नारायण वो बकुलहा जयप्रकाश नगर हो जाए, कुछ रेलवे गाड़ियां जो हैं वो मंगल पांडे हैं, चितू पांडे हैं, कितना बड़ा विधायक कौशल किशोर हैं, फिर एकमा
और छपरा रेलवे स्टेशन उस इलाके में भी बहुत स्वतंत्रता के आजादी के लड़ाई में भागीदारी रहे, वहाँ भी उनकी तस्वीर लग जाए, उससे भविष्य में समाज को प्रेरणा मिलती है। यह कार्य रेलवे मंत्रालय का मुख्य कार्य होना चाहिए। अपनी बात पूरा। बहुत धन्यवाद।